प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इस सुंदर शरीर को तू अपना मानता था और ये भी तेरा नहीं रहा, फिर क्या बताते हैं? तो ये ना सोच कि हम गरीब व्यक्ति पार नहीं हो सकते या अन्य जाति वाले पार नहीं हो सकते, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने 300 वर्ष पहले गरीबदास साहिब जी ने ज्ञान दिया था, उसमें छुआछात बहुत थी, ब्राह्मण लोगों ने ठेका ले रखा था मोक्ष प्राप्ति का, विद्या पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का। तो क्या बताते हैं कि भाई चमरा दुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे, गरीबदास कहते हैं रविदास जी चमार जाति से संबंधित थे, शूद्र थे, और परमेश्वर दुल्हा कबीर जी जुलाहा जाति में थे, कहते हैं ये भी पार हो गए। और फिर छिपा नाई रे नामदेव जी छिपा जाति में, और नंदा नाम के एक नाई थे सैन भगत, कहते वो नंदा नाई रे वो भी पार हो गए। और गणकाचड़ी विमान में सुरगापुर जाई रे, एक गणका थी एक वैश्या थी, जब बहन को पता चला ज्ञान हुआ, उसके आसपास कोई संत सत्संग कर रहा था, उस बहन ने अपने ही मकान की झांकी में बैठकर सुना सत्संग, तो सुबह वक्त से जाकर उनके चरणों में समर्पित होगी और कहा प्रभु हम मुझ पापन का भी उद्धार हो सकता है। तो सारी कहानी बताई संत ने, कहा बेटी जैसे नौका में पत्थर धरो और चे फूस रख दो, घास रखो हल्का फुल्का, चे भारी पत्थर रखो, उसका स्वभाव है पार करने का, लेकिन आपने अपनी सब क्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा, आपने बुराई त्यागनी पड़ेगी, भक्ति करनी होगी। तो समर्पित होगी उसी दिन से, कहा जैसे आप कहोगे गुरुदेव पिताजी मैं उसी तरह आपका अनुसरण करूंगी। तो उस लड़की ने नाम लिया, अपने बुराइयों को देखकर ज्ञान के आधार से अपने पापों से डर के डट के भक्ति की, कहते वो भी पार होगी। परमात्मा कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने गासे। अब परमात्मा दयालु है, उनके पास एक ऐसी मंत्र है जो दास आपको देता है, उससे आपके सब पाप कट जाएंगे और पार हो जाओगे। कहते अजामेल गणकात्रे और सदन कसाई रे, अजामेल ओहो गणका वैश्या, अजामेल की एक अलग सी कहानी है। और फिर क्या बताते हैं, शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, और ये धूमे के साथ धौल हरती हूं लोक चलाई रे। कहते हैं हमारा जो ज्ञान है ये सच्चा है और बाकी जो ज्ञान है वो बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ पर ऊंट की बाई के दो अर्थ लगते हैं। ऊंट में अपान वायु ज़्यादा होती है, वो बहुत पाद मारता है यानी गैस निकलती है उसके, तो वो कहते हैं फड़ फड़ रखा करें। और एक वो मुंह से दल ऊंट निकालता है अपने मुंह से, इतना बड़ा ब्लेडर सा बाहर निकालेगा, पूरा बैलून सा गुब्बारा सा, और नोर क्रिया करें। परमात्मा कहते हैं मेरा जो ज्ञान है ये सत्य है और बाकी तो ऊँट की बाई है, वो फर फर हुए बांटे हैं उवा बाई बकते हैं, ऊँट कैसी रोल रोल कर रहे हैं, उनका ज्ञान कुछ नहीं है। कहते हैं शब्द हमारा साच है और ऊँट की बाई रे, और धुए कैसा धौल हरती हूँ लोक चलाई रे। ये तीनों लोक जिनमें तुम यहाँ बैठे हो, सुरक्षित मानते हो अपने आप को, ये तो ऐसे हैं जैसे ऊंट ने वो बुलबुला सा काट दिया, वो ब्लेडर सा बाहर निकाल दिया, गुब्बारा सा रोल कर रहा है और फिर वापस ले लेता है। तो ये कुछ दिन के लिए तुम्हारे ये तीनों लोक बाहर हैं, फिर ये पर महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए उस प्रलय के आने से पहले अपना व्यवस्था करो, भगवान की भक्ति करो। क्या बताते हैं
कल्बिस कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे। तुम्हारे कल्बिस कुसमल, कल्बिस तो कहते हैं संस्कृत में पाप को, कुसमल कहते हैं अरबी भाषा में पाप को ही, क्योंकि दोनों ही उसमें, यहाँ मुसलमान और हिंदू दो ही विशेष वैरायटी थी जब परमात्मा कबीर जी ने ज्ञान दिया। कल्बिस कुसमल सब कटे तनकन चनकाई रे। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास निज नाम की, सच्चे नाम की, वास्तविक मंत्र की, उस तीन नाम के जाप की नित पर भी ना आई रे, नित पर भी ना। एक तो तुम 12 वर्ष में किता पर भी लागी नान जाते हो, उससे तुम मोक्ष मानते हो नहीं। अमरा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेने जाते हैं दुनिया। कहते हैं ये पर भी ना हो, गरीब दास निज नाम की नित पर भी ना ही रे। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। पुणात्माओं, परमात्मा को पता है हमारे पर कितनी आपत्ति आवेंगी, इतना कैर टूट जाता इस प्राणी के ऊपर, पशु पक्षी बनेगा कि धक्के खाएगा। आज कार कोठियों में चलता है, कल कुत्ता बनकर उन कोठियों के पास में बैठेगा। बाहर ऊपर से शीत लहर होगी, वर्षा आ रही होगी, टूक में लै कोई ना, ऊपर से खाज लाग जा, टांग टूट जा, कोई पट्टी बांध नहीं कोई ना, फर्स्ट एड करने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भजन करो राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी इस शुभ समागम में पहुंच पाए। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है, विशेष कृपा होती है, जो बहुत ही कृपा पात्र होते हैं, वही पुण्यात्मा सत्संग में पहुंच पाते हैं। ऐसे घोर कलयुग में ऐसे आधुनिक उपकरण बन गए हैं, मोबाइल फोन्स के अंदर ना जाने कितनी बकवास भर दी जाती है। कान में लगा के सुन लो, वैसे फिल्म चला के देख लो, कितनी बकवास। फिर विकार कितने, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, और फिर दो नंबर के धंधे, और 36 प्रकार के न जाने कितने पाप जीव इकट्ठे करता है। आप जी के ऊपर विशेष रजा है भगवान की, इन सब बुराइयों से बचकर आप परमात्मा के भजन का आनंद ले रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी बताते हैं भाई मानुष जन्म पाय के जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। कबीर इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़ जो चाम, वो कंचन दे किस काम की ही जा मुख ना ही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के था भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा आप ही स्वयं
स्वयं ही वो सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने बारे में जानकारी देते हैं। परंतु काल के दूत, काल प्रेरित नकली संत महंत गुरु ऋषि मंडलेश्वर, ये पूर्ण रूप से अज्ञान से ओतप्रोत होते हैं। और सभी पुण्यात्मा जो भगवान के लिए तड़फ रही होती हैं, उनको मिसगाइड कर देते हैं। उनके अंदर अज्ञान को रह रहकर इतना भर देते हैं कि फिर तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। आपका सौभाग्य पुण्यात्माओं कि आपने इस कड़वी कुनीन को खा लिया। इस कुनीन को खा लिया, कुनीन के खाने से आपका ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन आपने ग्रहण किया, इसके फांके लगाए, रह रह के सत्संग सुना, जिससे आप जी का ये पाप कर्म के कारण जो मलेरिया बना हुआ था, जिससे आपको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती थी, अब कितनी अच्छी लगने लगी, कितनी स्वादिष्ट लगती है, कितना आनंद आता है। धन्य है आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ और आपको ये मार्ग मिला ऐसे समय में। ये वो समय है पुण्यात्माओं, उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होगा लखबर सूरा जो जही लखबर सामत दे और लखबर यति जहान में तब सतगुर शरणा ले। हम आप आज के नहीं हैं, ना जाने कितने समय से इस काल के जाल में हम भटक रहे हैं। कभी हमने तपस्वी बनकर तपस्याएं की हैं जिससे हम राज्य पद को प्राप्त हुए, और राज्य पद प्राप्त करके हमने अपने कर्म फोड़ लिए ईंट मार मार के। इतने जुल्म कर देता है राजा, उसके बस की बात नहीं होती, उसमें अभिमान इतना भर देता है ये काल, वो आगा पीछा नहीं देखता। उसके जुबान में पावर होती है, सैकड़ों की हजारों की संख्या में सैनिक उसकी जुबान पर चलते हैं, फिर वो जो मर्जी कर डालता है। कुछ पाप पुण्य किए, तपस्या की, उससे राजा बन गया, राजा बनकर अपने कर्म बिगाड़ कर फिर पशु बन गया। परमात्मा फिर दया करते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने एक ऐसा विधान बनाकर दे रखा इस काल भगवान को कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर अवश्य देना होगा। और वैसे इसकी मजबूरी भी बना दी परमात्मा ने कि ये काल की मजबूरी बन गई, इसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का श्राप लग गया है। परमेश्वर कबीर जी को पता था कि ये काल बहुत जुल्म करेगा इनके साथ, ये पृथ्वी लोक पर इनको मनुष्य जीवन नहीं देगा, क्योंकि पृथ्वी लोक एक ऐसा बना रखा है इसने, यहाँ दुख ही दुख, और अपने किए कर्म को भोगने के लिए यहाँ पटक देता है। यदि परमेश्वर ने इसको ये श्राप ना दिया होता, इसको ये बीमारी ना लाई होती 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने की, आप जी को ये मनुष्य जीवन नहीं देता। और इस पृथ्वी के ऊपर एक प्राणी और बना देता, जैसे मनुष्य बना रखा है, इसके अतिरिक्त सभी कैसे प्राणी इसने बनाए हैं, तो एक और बना देता। और ऊपर के लोकों में बहुत और अत्यधिक लोक हैं जहाँ पर 88,000 खेड़े हैं, और भी बहुत पितर लोक बने हुए हैं, तो उनमें ये देव पुरुषों को रखता है जो अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो वहाँ भी साधनाएं करते हैं। एक अलग लोक है, पितर लोक है, उसके आधार से भी ये वहाँ देव पद उनको देता रहता है। लेकिन जो पृथ्वी लोक पर आते हैं उनको उनको एक विशेष कृपा होती है उनके ऊपर कि वो पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम सतलोक में रहा करते थे, ये आप जी का मूल ठिकाना नहीं है, और सतलोक जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आपका ये अरहट जैसा कुआं सदा बना रहेगा। अरहट जैसा फेरा
आपका सदा बना रहेगा जन्म और मृत्यु, 84 लाख योनियों की भ्रमणा भटकना और स्वर्ग नरक, ये प्रोसीजर आपका कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। आपने असंग जन्म हो गए, भक्ति भी करते हो, साधनाएं भी करते हो, उनके प्रतिफल में आप स्वर्ग चले जाते हो, महास्वर्ग चले जाते हो। जिन्होंने अच्छे पुण्य किए हैं वो देव पद प्राप्त भी कर लेते हैं, फिर भी जन्म मृत्यु ज्यों की त्यों बनी रहती है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। परमात्मा कहते हैं यदि सतगुरु नहीं मिलते, पुण्यात्मा सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि ये अन्य गुरु भी हैं जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, और कुछ एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो केवल वेदों तक का ज्ञान रखते हैं, गीता जी और वेद एक ही ज्ञान है, और ब्रह्म को वो अपना सुप्रीम गॉड, फाइनल गॉड, अंतिम परमात्मा मानते हैं। ओम नाम की साधना करते हैं, ब्रह्म लोक तक पहुंच जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आकर के अपने उस सूक्ष्म वेद का प्रकाश करते हैं, सूक्ष्म वेद का ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं। उस सूक्ष्म वेद के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, हम अपने ही सोच में, अपने ही विचारों के आधार से या पुराने ज्ञान के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर के सूक्ष्म वेद दिया, सूक्ष्म वेद से हमें पता चला कि हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हमारा मूल ठिकाना यहाँ का नहीं है, हम सतलोक में रहा करते थे। और हम अपनी नालायकी के कारण सतलोक को छोड़कर यहाँ इस काल के साथ आ गए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं भी अपना ज्ञान प्रचार किया, फिर अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिले, उनको अपने सतलोक निज ठिकाने से परिचित करवाया, फिर उनको वापस संसार में छोड़ा ताकि ये मेरे गवाह बने। उनमें से एक गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर से वो पुण्यात्मा, परमात्मा की प्यारी आत्मा, परमात्मा से परिचित हुए। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी है। तो गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर के विषय बताया कि अवधु जोड़ अलग से यारी, लाओ उन मनी तारी, अलग उस प्रोक्ष परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है उसके साथ तुम संबंध जोड़ो, उसे मित्रता करो, उसकी भक्ति करो। अवधू जोड़ अलख से यारी, लावो उन मनी तारी, अंत कोटि भंडार भरे हैं अणिमा महिमा चेरी, अष्ट सिद्धिनों निधि आगे नचे दे पुरुष की फेरी, अंत कोट पर सिद्ध परेवा जाके आगे नचे सुनर मुनिगन गंधर्व ज्ञानी, इच्छा बीज को बाचे ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी, लोकपाल त्यों देवा इंद्र कुबेर वर्म धर्म राया, करे तास की सेवा प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी, ब्रह्म जोगनी माया अंत कोटि अवतार, तास के करता हो आया, असन बसन बैरागर मुक्ता बहुविध नाच नचावे, संतों के तो दासी होई साकिट को भरमावे, अंत कोट चकवे चित चोरिया मार लिए मैदाना, पराशक्ति के संगर माही सुर नर मुनि जन उर्दाना, रावण राज रसातल मेला 33 कोट छुटाए, एक रति कंचन नहीं पाए लंका कोट पराए,
पलमय हंसा पारिंग होवे छिनमय छार उड़ावे गरीब दास करता की बाजी भेद नहीं कोई पावे अवधू पार बरम को जावो ये गुण तहां समावो अवधू पार बरम को दावो ये गुण तहां समावो ये गुण इंद्री कित से आई कित से आया हंसा सच्चा सतगुरु भेद बतावे कहाँ आद कुल बंसा वृक्ष और बीज नहीं जद होता गुण इंद्री नहीं ज्ञाना पांच तत्व नहीं पिंड ब्रह्मंडा तब होता यो कहाँ समाना जब तब कर्म कांड नहीं काया दम दे ही नहीं देवा भक्ति न शक्ति स्वरूप न सुमरण कौन पुरुष की सेवा जोग न भोग संजोग न संजम ओंकार नहीं अध्या सतगुण तम गुण रजगुण नाही पिंड प्राण न खुजा चौबीसों तत् कहाँ रहनते इनकी आज बताओ इनका जवाब नहीं आवे तो झोड़ी झंडा ठाओ पांच तव नौ तत् दस इंद्री ये कौ कित से आई जैते भेख धरा दरवेशा तो इनकी आद बताई चौबीस तत् का पिंड शरीरा पच्चीस माँ तत् न्यारा छब्बीस तत् के कुंजो पावेस तो सबका करे विचारा सतगुण तम गुण रजगुण कहिए ओहम सोहम सारम ये तीसों तत् सम कर सो दह सो पर लैसे पारम ब्रह्मा जुग छत्तीस बुलाने ताही लख्या नहीं मर्मा गरीब दास गत मत को पावे भूल रहे घट गर्मा अब गरीब दास जी क्या बता रहे हैं कि अवधू वो पार परम को ध्याओ एक तो ब्रह्म एक पर ब्रह्म एक पार ब्रह्म होता पूर्ण ब्रह्म पार माने सबसे परले पार सबसे लास्ट वाला भगवान पूर्ण ब्रह्म उसकी भक्ति करो अवधू ऐसा आत्म ज्ञान नूर जहूर सकल में साहेब क्या पूज्य जड़ पासाना अवधू ऐसा आत्म ज्ञान नैन बैन सर्वण जिभ्या पर नासा अगरी नाचे प्राण ज्ञान से है सो न्यारा सो पद कोई न बाचे इंद्र पुलंद्र गए सब पर लो परख किने नी कीन्या राजपाट की रटनी लागी पेंड परन सबै खीना ब्रह्मा संख असंख गए हैं ये शंभु पदम करोड़ी इंद्र कुबेर गए बारू समय विष्णु बाहा जोरी प्रासक्ति पर लो के माही हो रहा आवन जाना अजर अमर कबीर अविनाशी सबद अतीत अमाना अंत कोट अनभय अर्धंगी अनहद नाद बिलाना सकल रूप पर लोके माही रह मूड न जाना पारस लोह कला उसी की चंद सूर मठदारी कच्छ मच कूरम शेष लग पर लो करत मुरारी महाकाल पर मालिक साहेब सतपुरुष अविनाशी गरीब दास वो कदे न पर ले दे धरे सो दासी परमात्मा ने अपने सूक्ष्म ज्ञान के अंदर बताई है जो यथार्थ कथा बताई है उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को किसी ने स्वीकार नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि हम वेदों और गीता जी को पुराणों को सत्य मानते थे और पुराणों वेदों और गीता जी जो है सभी संस्कृत लैंग्वेज में लिपिबद्ध थे संस्कृत भाषा को केवल एक वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी था जिसको ब्राह्मण वर्ग कहते थे प्रारंभ में क्या हुआ था कि मानव समाज को नियमित रखने के लिए चार वर्ण बनाए थे प्रारंभ में कोई हमने छुआछात नहीं थी जैसे एक घर में चार भाई हों जैसे पहले समय में यह शिक्षा नहीं थी केवल खेती बाड़ी करा करते तो उनमें से अपना अलग अलग काम बांट लिया करते कोई खेत का कोई वैसे कोई लेने देने का कोई घर का
ऐसे इस मानव समाज को चार वर्ण में बांट दिया था। एक तो ब्राह्मण है, भाई विद्या स्वयं पढ़ें और सदग्रंथों को समझें, और अन्य को वो फिर अपने समझ कर सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में सबको ज्ञान कराएं, परमात्मा की महिमा से परिचित रखें और सदउपदेश करें। और दूसरा फिर वैश्य बना, फिर तीसरा क्षत्रिय, और चौथा फिर शूद्र बनाया। इनके अपने अपने काम बांट दिए, फिर उनके वंशज आगे चलकर वही कार्य करने लगे अपने अपने, क्योंकि जो जिस वर्ग में पैदा होता है उसी काम का मास्टर बन जाता है। ऐसे ही आगे चल करके वर्ण बन गए। तो ब्राह्मण लोगों ने वेदों को पढ़ा, गीता जी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थी, तो ये समझ नहीं सके वेदों को, भाषा अवश्य जानने लगे, लेकिन ये ब्राह्मण ऋषि सतयुग के ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेदों से परिचित नहीं थे। तो इन्होंने जैसे भी अपने अटकल से जो ज्ञान ग्रहण किया, वेदों को जैसा जाना समझा, उसी प्रकार से उन्होंने अपने वंशजों को वैसा ही ज्ञान दे दिया। उन्होंने फिर पूरे समाज को वही लोक वेद सुना दिया, दंत कथा सुना दी, और जिसका दुष्परिणाम आज तक ये मानव समाज भोग रहा है। और आज परमात्मा ने कृपा बख्शी है, 600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे, कबीर जी कबीर देव जुलाहा रूप में, एक जुलाहे की भूमिका की, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की और एक अच्छे नागरिक की भूमिका की और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए वो हमें एक गाइडलाइन देकर चले गए कि यदि तुमने परमात्मा पाना है तो इस प्रकार आपका आचरण होना चाहिए, अन्यथा उस परमेश्वर को गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें पहले बताया था ये ज्ञान, जो हमारे को उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने नहीं समझने दिया। वो ये कह दिया करते थे कि कबीर तो एक ऐसे सिद्ध व्यक्ति है, ये नहीं जानता वेदों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये गलत जानकारी देता है, क्योंकि ये संस्कृत जानता नहीं, ऊट पटांग बोलता है। तो उस समय हम पूरा मानव समाज जैसे शिक्षित था, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि कबीर जी वास्तव में अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी आप जी ने सुना के सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था, ये बात प्रथम बार किसी भी हिंदू समाज के गले नहीं उतर सकती, क्योंकि हमने लोकवेद दंत कथा घनी सुन रखी है और उस लोकवेद में केवल अज्ञान हमें सुनाया गया है, वेदों और गीता और पुराणों के विरुद्ध हमें ज्ञान सुनाया गया था। उसके लिए हमने थोड़ा सा उन्हीं सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा जिसको हम सत मानते हैं। उनमें से पुराण है 18 पुराण, उन पुराणों में से हम आपको एक पुराण दिखाते हैं, देवी पुराण, जिससे आपको ये विश्वास होगा कि जो दास ने शब्द बोले वो सत्य हैं और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान बताया था, जो दास उसको आपके समक्ष आपके रूबरू कर रहा है। जब तक हम सदग्रंथों को स्वयं नहीं देखेंगे, हम परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकते। दास ये चाहता है कि एक बार आपको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर इतना विश्वास करा दूँ, सदग्रंथ दिखा दिखा कर आपके हृदय में ये सत्य ज्ञान भर दूँ, ताकि फिर परमात्मा की वाणी आपको सुनाया करूँगा। आप उस सूक्ष्म वेद को सुनकर फिर किसी अन्य सदग्रंथ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत
अर्थात देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद मम कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे, इनसे आपको क्लियर ज्ञान हो जाएगा किसको कितना ज्ञान है। ये पुराण वही हैं जिनको हम सत्य माना करते थे। आज इन पुराणों में क्या लिखा और हमें क्या दंत कथा सुनाई गई थी, ये व्यास जी और नारद जी वहाँ चर्चा कर रहे हैं अपनी कुटिया में बैठे हुए, कुटिया के बाहर। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान, जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। इसके विषय में लिखा, वे चराचर के जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं, विष्णु जी की महिमा कर रहे हैं, नारद जी के ब्रह्मा जी ने बताया था और ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषियों को। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये 28 पृष्ठ पहला सकंद आप देख रहे हो 28 पृष्ठ पर। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकार संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र को तामसी शक्ति मिली, अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 पे पहला सकंद आप पढ़ रहे हैं।
प्रश्न नंबर 28 29 पे 29 पढ़ रहे हैं। मुझे सब प्रकार से, विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये तो ज्ञान का सत्र आ गया श्री ब्रह्मा जी का, श्री नारद जी का, श्री व्यास जी का, जो राइटर ऑफ वेद एंड पुराण एंड गीता जी, श्रीमद् भगवद् गीता, जो इनका राइटर है। और उस राइटर को भी खुद इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस काल भगवान ने इस व्यास जी को पहले ही नियुक्त किया हुआ था कि कलयुग के लिए इन वेदों, गीता और पुराणों का ये लिपिबद्ध करे संस्कृत भाषा में। और उसके अंदर ये स्वयं प्रवेश होता है और वो सभी ज्ञान को लिख देता है। निकल जाने के बाद उस लेखक को कुछ पता नहीं रहता। जैसे श्रीमद् भगवद् गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला किसने, काल भगवान ने। उसके बाद वो श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गए। उसके बाद श्री कृष्ण जी को गीता जी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। कुछ वर्षों के बाद फिर श्री वेद व्यास जी में प्रवेश करके काल भगवान ने उस गीता जी को, जो युद्ध के दौरान बोली गई थी, उसको पुनः लिपिबद्ध करवा दिया। फिर व्यास जी से निकल गया। अब व्यास जी को पता नहीं मैंने क्या लिखा था, पुराणों में पता नहीं उसने क्या लिखा था। अब नारद जी से पूछ रहा है और वह वार्ता खुद लिख रहा है। अब यहाँ श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और नारद जी तथा व्यास जी के ज्ञान के सत्र का पता लग गया। विष्णु जी कह रहा है कि मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। यानी जितना मुझे ज्ञान है, मेरे ज्ञान में मुझे इतना ही ज्ञान है कि दुर्गा इज द सुप्रीम पावर। अब दुर्गा क्या कहती है, अब सातवें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे दुर्गा बता रही है कि केवल ब्रह्म ही पूज्य है, उसकी पूजा करने से तुम्हें मोक्ष मिलेगा और वो ब्रह्म लोक में रहता है। ये सातवां स्कंद पृष्ठ 562। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी ने कहा, पर्वतराज यहां देखिए, हम यहां से पढ़ेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, क्योंकि यहां हिमालय को ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। पहले ये अपने विषय में कुछ ज्ञान दिया है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्सर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, सौम्य। उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। कहने का भाव ये है कि ओम तो मंत्र जाप करो, ओम ओम यानी परवण धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव ने ओम नाम का जाप ब्रह्म प्राप्ति के लिए करना चाहिए, इसका सीधा अर्थ है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे।
अब दुर्गा कह रही है कि केवल एकमात्र उस परमात्मा, उस एकमात्र परमात्मा यानी ब्रह्म को ही जाने, मेरी पूजा भी नहीं करनी, स्पष्ट कर रही है। दूसरी सब बातें छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का पुल, पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का यानी इस परमात्मा का, या परमात्मा लिखना था, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, वो ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, स्थित है। अपनात्माओं, ये ज्ञान दे दिया दुर्गा ने कि ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम मंत्र है, और सभी पूजाएं त्याग दो, और वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी का ज्ञान और वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने दिया है। ब्रह्म ने गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, और जो अंतिम समास तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है, शरीर छोड़ता है, मेरे से मिलने वाली उस गति को प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है? अभी दुर्गा ने बता दिया कि ओम नाम का जो जाप करता है वो ब्रह्म लोक में चला जाता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणी भी अपने पुनों के अक्षीण होने पर नीचे जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, फिर पुनः वहाँ से छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं, यानी जन्म और मृत्यु का चक्कर इनका बना रहता है। ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसकी जानकारी होने के उपरांत, उसका कंप्लीट ज्ञान होने के उपरांत प्राणी फिर जरा और मरण से ही छुटकारे का प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म, पर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है। जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा ओम मंत्र है, तो उस ओम नाम के जाप से मेरी साधना कर मुझे प्राप्त होगा, अध्याय नंबर 8 के 5 और 7 में, ये उसका अर्थ है। और युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 तीन श्लोकों में कहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करता है वो परम अक्षर ब्रह्म की, तो उसी को प्राप्त होता है। उसके बारे में बताया 15वें अध्याय के, उसके मंत्र के बारे में गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा का, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत, जिसमें ओम भी मंत्र है, तत् और सत ये गुप्त मंत्र है, ये दास बता सकता है और इस पृथ्वी पर दूसरा इसका बताने का अधिकारी नहीं है। तो उस ओम तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं। इन ओम तत् सत की जो साधना, इस मंत्र का जाप करने का निर्देश है उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, इन तीन मंत्र के जाप से होती है, उसकी प्राप्ति ऐसे होती है। तो उस मंत्र के आधार से उस परमात्मा पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है वो उसको प्राप्त होता है।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन जब तुझे तत्व तरसी संत प्राप्त हो जा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान समझ कर उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परम पद परमेश्वर के यानी उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और वो परमात्मा वो है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, दास ने दो पंक्ति बोली थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सतयुग के ब्राह्मण राज वर्तमान के भी जितने मंडलेश्वर महर्षि कहलाए हैं ये पूर्ण रूपेण तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था, इसलिए पूरे मानव समाज को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, नास्तिकता की तरफ अग्रसर कर दिया, चोरी करने लग गए, पहले भगवान से डरते थे वो डर भी समाप्त हो गया और इतने नास्तिक बना दिए कि अब इस तत्व ज्ञान को सुनकर भी आंखों देखकर भी हृदय में समाता नहीं, क्योंकि हमारे पाप गणे बढ़ गए। परमात्मा कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कह उंग कह उठ चले ना ओर बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के वेग ते भाई भूख विदा हो जावे। जिस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है, कोई जबर हो जाता है, जबर के प्रभाव से उसको उसका जो है शरीर की व्यवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि वो मनुखा दाख सेब संतरे रोटी प्रतिदिन खाने वाले पदार्थ को भी वो कहता मुझे कड़वा लगता है मैं खा नहीं सकता। न मनुखा दाख कड़वी है, ना रोटी कड़वी है, ना सेब संतरे कड़वे हैं, लेकिन उस जवर ने उस व्यक्ति की शरीर की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया कि मीठी वस्तु उसको कड़वी लग रही है, महसूस हो रही है। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति जिस आत्मा के पाप गणे हो जाते हैं उसको परमात्मा की चर्चा कुनीन जैसी कड़वी लगती है, वो उसको स्वीकार नहीं करता, या तो चल पड़ेगा या और बात चलाने लग जाएगा या लटके लेने लग जाएगा। थोड़ी सी देर सत्संग में आ भी गया किसी कोई पुण्य के कारण या किसी अपने मित्र के कहने से, तो उसके लक्षण बताते हैं कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुआवे, कह उंग लटके लेगा, कह उठ चले और या और बात चलावे। और तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे और जैसे जबर के वेग ते भाई भूख विदा हो जाए। पाप कर्मों के प्रभाव से उस प्यारी आत्मा उस आत्मा को परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। उसका विकल्प उसका अल्टरनेट क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे जबर के कारण रोटी कड़वी लगती है, मनुखा दाह कड़वी लगती है और सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, तो उस जबर को खत्म करने के लिए कड़वी कुनीन ही खानी पड़ती है, और कड़वी कुनीन खाने से न चाहते भी फांके मारने पड़ेंगे और फिर वो बुखार ठीक होगा। जब बुखार ठीक हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा, जबर समाप्त हो जाएगा, फिर वो वही वस्तु जो पहले कड़वी लगती थी वो बहुत स्वादिष्ट लगेगी। सूखी रोटी भी स्वस्थ व्यक्ति समय पर भूख लग रही हो, सब्जी भी ना हो और कहीं बाहर से खेत या कहीं से कार्य से आया हो रोटी रखी हो तो तुरंत सूखी रोटी भी खा जाता है, और पहले चाहे उसको कितनी बढ़िया सब्जी बना के दे दो, किसी प्रकार की खिचड़ी बना दो तो भी अच्छी ना लगे थी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं जो परमात्मा के दरबार में प्रथम बार आते हैं, कहीं सत्संग सुनते हैं,
तो उनको ये परमात्मा की मनुखा दाख कड़वी लगती है पिछले पाप से। उसका विकल्प यही है, उसका अल्टरनेट यही है, उसका ट्रीटमेंट यही है कि न चाहते हुए भी ये सत्संग में बैठ जाना चाहिए, जैसे कुनीन को ना चाहते हुए भी फांके मारकर और पानी के साथ गटक जाते हैं। और फिर कुछ दिनों में देखना आपका, क्योंकि परमात्मा की ये वाणी आपके पापों को बहुत तरह से साफ करती है। और फिर भूख लगने लग जाती है, चाह चढ़ता है, इच्छा बनती है भगवान की। और जब आपके जबर यानी पाप समाप्त हो जाएंगे, आप 200, 200, 400, 400 हजार हजार किलोमीटर से चलकर परमात्मा के ये ज्ञान को सुनने आओगे, अर्थात आपको इतनी भूख लगेगी तो समझो आपके पाप समाप्त होने लग रहे हैं, आप नॉर्मल हो गए हो। अपने आत्माओं, आपने देखा कि ब्रह्मा विष्णु में इसको ज्ञान नहीं, और अब यहाँ थोड़ा सा शंका और हो जाती है। अपने आत्माओं, ये पुराणों का ज्ञान जो है, ये ब्रह्मा जी या अन्य किसी ऋषि देव का दिया हुआ है, और वेद ज्ञान जो है ये ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा ने ब्रह्म के अंतःकरण में ठोका था, दे दिया। इसने क्या किया, 5 वेद दिए थे भगवान ने, परमपिता ने, पूर्ण ब्रह्म ने, इसने 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था वो नष्ट कर दिया और ये 4 वेद दे दिए। फिर भी ये वेद ज्ञान जो है परमात्मा का दिया हुआ है, और वेद ज्ञान के अतिरिक्त हमने और अन्य ज्ञान को भक्ति मार्ग में प्रमाण में नहीं लेना है, साधना में, क्योंकि ओ वेदों में केवल ओम नाम लिखा है, गीता जी में भी केवल ओम नाम लिखा ब्रह्म का, ब्रह्म तक की साधना का। और पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा एक और रहस्य दिखाते हैं। ये है वही देवी भागवत, ये 7वां स्कंद और 570 पृष्ठ पे हिमालय और दुर्गा की वार्ता ही चल रही है। देवी पूजने के विविध प्रसंगों का संक्षिप्त वर्णन। हिमालय ने कहा, देवेश्वरी महेशानी करुणा निधे अम्बे, अब आप अपने पूजन की समुचित विधि बताने की कृपा कीजिए। ये तो अपनी बताती है, अब यहाँ देखिए, यह देवी बोल रही है, श्री देवी कहती है पर्वतराज, ये तो इसने अपना बताया। फिर यहाँ आइएगा 571 पृष्ठ पे, हमने देखना ये देवी बोल रही है, ये दिखाना था वहां से। वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का यानी अन्य पूजा का अवलंबन लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधर्मिक अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। क्या स्पष्ट करी है, वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके, यानी कोई मनमानी पूजाएं बताता है जो अन्य धर्म का अवलंबन कर लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधार्मिकों से न बात करें और न उन्हें अपने पंक्ति में बैठावें। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और समर्थि से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे गए हैं। उन शास्त्रों के नाम हैं वाम, कपाल, कौलक और भौरवागम। शिव ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। उन्हें कहीं कहीं वेद से अविरुद्ध अंश भी हैं, उनमें कहीं कहीं वेद से अविरुद्ध अंश भी हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। आप
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।